वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 12। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 11 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ। टोटल मैंने अभी तक 110 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इसमें हम प्रीवियस ईयर सीरीज में करके आ रहे हैं, 1999 से लेकर अब तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 111 से क्वेश्चन नंबर 11120। प्रीवियस ईयर सीरीज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि प्रीवियस ईयर सीरीज में दो टॉपिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर सिस्टम मैंने 413 क्वेश्चन टोटल कराया हूँ, कंप्लीट प्री, मेंस, सीजीएल, सीपीओ सारे, और पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25। एंड सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है परसेंटेज, जिसमें हमने 341 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूं मैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25। ये दोनों टॉपिक्स आपको इतना क्वेश्चन करने के बाद, चाहे आप सीजीएल प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, सारे क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो टॉपिक हमारी सीरीज चल रही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें हम टोटल करने वाले हैं 268 क्वेश्चन। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं स्टार्टिंग से। अभी तक 110 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा चुका हूं। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो पाए, ताकि उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं वहां पे प्रोवाइड करता हूं, तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप कमेंट्स करते हैं वहां के में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप्स अपना ओपन कीजिए अपने मोबाइल में और सर्च कीजिए अपने 7300 प्लस मैथ, वहां से आप डायरेक्टली भी ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स का, क्योंकि लाइक्स मेरे को मोटिवेशन देता है ताकि मैं रेगुलर कंटिन्यूअस वीडियो दे सकूं। आप लोग लाइक्स भी नहीं करते हो तो डीमोटिवेट होना पड़ता है कि चलो यार इसी तरह से चल रहा है सिस्टम, चलो किसी तरह से चल रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ही ऊपर डिपेंड है, आप ऑडियंस हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप लाइक कर सकते हैं या डिसलाइक, इट्स योर चॉइस। देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल वाज 5:3। सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स आर एडमिटेड टू द स्कूल इन द रेशियो 5:7। एट दिस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इन द स्कूल बिकम्स 1200 एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स चेंजेस टू 7:5। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन वाज। क्वेश्चन कहा जा रहा है, हिंदी में भी एक बार समझा देता हूँ। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:3। कोई स्कूल है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो का अनुपात कितना है? 5:3। तो लेट सपोज मैं मान लूँ कि बॉयज कितने हो गए? 5x एंड गर्ल्स कितनी हो गई? 3x। इन दोनों का टोटल अगर मैं बोलूँ बॉयज और गर्ल्स मिला के, तो टोटल कितने हो गए? 8x टोटल स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कुछ नए लड़के व लड़कियां 5:7 के अनुपात में दाखिल हुए, यानी ये इतने थे, ओल्ड थे, कुछ नए ज्वाइन हुए वो किस रेशियो में ज्वाइन हुए? 5:7। अब ऑलरेडी x मान चुका हूं तो इसको मान लूं कि 5y और 7y बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, और टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 12y। तो ये आपको पता चल गया कि पहले 8x स्टूडेंट थे, अब कितने? 12y। क्यों मैंने y माना? क्योंकि एक वेरिएबल ऑलरेडी मैं मान चुका था x, इसलिए हमें दूसरा वेरिएबल y मानना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं, तो कुल छात्र कितने हो गए? 1200, यानी कि पहले 8x साथ 8x स्टूडेंट थे, अब 12y एक्स्ट्रा आ गए, नए आ गए, तो टोटल मिला के कितने हो जा रहे हैं? 1200। अगर मैं इसमें 4 कॉमन कर लूँ, 4 निकाल लूँ इन दोनों में, तो 4 कॉमन कर लूँ तो क्या हो गया? 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया? 1200। और ये मैं काट दूं इसको 4 से तो 300, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया? 300, इक्वेशन 1। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तथा लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना हो जा रहा है? 7:5, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो का अनुपात कितना हो रहा है? 7:5। अब ये देखो, ऊपर क्या होने चाहिए? बॉयज, और नीचे क्या होने चाहिए? गर्ल्स। ऊपर बॉयज, पहले बॉयज कितने थे? 5x। अब बॉयज कितने हैं? एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पे डाल देने दीजिए।
देखिए पहले बॉयज कितने थे 5x एंड अब बॉयज कितने हैं 5y, नए वाले आए कितने 5y। उसी तरह से गर्ल्स पहले कितनी थी 3x, नई वाली गर्ल्स कितनी आई 7y, और इनका रेशियो कितना दिया गया था 7:5। अब क्या करें हम किसी तरह से, तो हमें क्वेश्चन क्या कहा गया, तो छात्रों की संख्या कुल संख्या सॉरी छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत में कितनी थी, छात्र कितने थे टोटल 8x, यानी इसी की वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 8x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो आसानी से कर सकते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं तो कितना हो गया 25x plus 25y is equal to 21x plus 49y। अब देखिए यहां से इधर मैं लेता हूं तो 25 minus 21 कितना हो गया 4x, इसको मैं इधर लेके जाता हूं तो 49 minus 25 कितना हो गया 9 में से 5 गया 4 और 2 4 में से 2 गया 2 यानी कि 24y। तो यहां से अगर मैं कैंसिल करूं इसको 6 तो क्या हो गया x is equal to 6y। अगर x इज इक्वल टू 6y आ गया तो देखो मैं यहां पे रख रहा हूं एक मिनट एस, अब देखिएगा यहां पे x इज इक्वल टू 6y है तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12y। अरे x की वैल्यू अगर 6y है तो 2x 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12y प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 300, 15y इज इक्वल टू कितना हो गया 300, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू 20। अगर y की वैल्यू 20 आ गई हमें लेकिन चाहिए क्या है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू y की वैल्यू 20 यानी x की वैल्यू 120। तो x की वैल्यू 120 हमसे पूछा जा रहा था कि पहले कितने स्टार्टिंग में जो थे नए ज्वाइन करने से पहले कितने स्टूडेंट थे तो 8x, तो 8 कितना होता 96, तो 960 स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन आसान था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, ये आपके एसएससी एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन तो एसएससी एग्जाम के ले रहा हूं। कहा जा रहा है 3 पर्सन वॉक्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी, यानी कहा जा रहा है मान लो कि हमारे पास ये एक जगह है और यहां से बी पहुंचना है, ए से बी पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है और 3 पर्सन है, 1, 2 एंड 3 पर्सन ने क्या किया वॉक स्टार्ट किया, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों कहां से जा रहे हैं यहां से यहां पहुंचना है। आगे बढ़ते हैं, देयर स्पीड रेशियो इज 4:3:5, इनका स्पीड यानी चाल स्पीड रेशियो क्या है 4:3:5। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई देम टू रीच द बी, यानी यहां से यहां पहुंचने में इन तीनों का टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, आप ये एक्चुअल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअल में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी इज इक्वल टू क्या होता है चाल गुणे समय। अब देखो तीनों केस में डिस्टेंस, तीनों को पहुंचना कितना है इतना ही डिस्टेंस मूव करना है ए से बी, तो डिस्टेंस क्या हो गया कॉन्स्टेंट यानी सेम, यानी कि कॉन्स्टेंट तीनों के लिए। अगर तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो गया कॉन्स्टेंट, जैसे ही स्पीड इंटू टाइम कॉन्स्टेंट हो गया तो अगर तो हम क्या बोले स्पीड डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/टाइम हो जाएगा, यानी कि अगर स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t है, यानी स्पीड का अगर मैं बोलूं टाइम का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा 1/ स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती, तो टाइम स्पीड के अपोजिट होगा टाइम, तो 1/4:1/3:1/5। अब हम करते क्या है देखिए ध्यान से, अब ऐसे क्वेश्चन को मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऑलरेडी कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को कि किस तरह से हमें ऐसे करना है। तो ऐसे जब भी फ्रैक्शन आ जाए फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, तो 4, 3, 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो गया, 4, 3, 5 का एलसीएम 60, तो 60 से हम क्या करेंगे हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो गया 15 × 4 = 60, ये कितना हो गया 20 × 3 = 60 और ये कितना हो गया 12 × 5 = 60।
तो हमारा रेशियो क्या मिल गया, 15:20:12। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 113 क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, मार्क्स ऑफ टू कैंडिडेट पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 2:5। दो हैं पर्सन पी और क्यू, इनके मार्क्स का रेशियो कितना दिया गया है, 2:5। आगे बढ़ते हैं, इफ द मार्क्स पी आर 120, तो पी का मार्क्स कितना मिला, 120। पी का मार्क्स मिलता है, पी को मार्क्स मिलता है 120 मार्क्स। तो हमसे पूछा क्या गया, मार्क्स ऑफ क्यू, क्यू का मार्क्स कितना होगा। देखो पी यहां पे कितना है, 2 यूनिट, तो मेथड वन 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 के बराबर। तो हमसे पूछा गया क्यू, क्यू कितनी यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 6, डेट मीन्स 300। यानी क्यू का मार्क्स कितना था, 300। तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा तरीका आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, देखो ध्यान से, 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120, कितना गुना हो गया, 60 गुना। तो 5 की वैल्यू भी क्या होगी, 60 गुना, यानी कितनी हो जाएगी, 300। तो डायरेक्टली आप यहां से ये कैलकुलेशन ना करके आप डायरेक्टली ओरली भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 114। कहा जाए कि ए इज टू बी, इफ ए इज टू बी 4:9, ए इज टू सी 2:3, देन ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी क्या होगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कहा गया, ए इज टू बी क्या दिया गया है, 4:9, ए इज टू सी क्या दिया गया है, 2:3। हमसे पूछा क्या गया, ए प्लस बी इज टू क्या, बी प्लस सी। हम डायरेक्टली कभी भी कंबाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको देखो पता है कि यहां से अगर मैं ए की वैल्यू लूं तो 4 है, और यहां से ए की वैल्यू 2, तो कौन सा लूं ए, यहाँ पे ये डिपेंड नहीं, ये पता नहीं है। कोई अगर 4 लेके बनाता है तो कोई 2 लेके बना सकता है, तो आंसर पे क्या होगा, डी पर। तो सबसे पहले मैं इनको कंबाइंड कर लूं, ए इज टू बी इज टू सी कंबाइंड रेशियो पता चल जाए। तो देखो कंबाइंड रेशियो पता करने के लिए वही चीज, सेम चीजें, थिंकिंग किस तरह से अप्लाई करनी होगी वो चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ए दोनों में सेम है, तो यहाँ पे भी सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये 2 है और ये 4 है, सेम बनाने के लिए क्या करूँ, ए को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ए तो क्या आ जाएगा, ए यहाँ से भी 4 आ जाएगा, यहाँ से भी 4, तो ए की 4, बी तो यहाँ से 9 है, एंड लेकिन सी कितना हो जाएगा, 3 × 2, 6। हमारे पास मिल गया क्या, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो। अब हमसे पूछा क्या गया, ये वाला ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये हो गया, तो 9 + 4 कितना हो गया, 13। बी प्लस सी, बी प्लस सी ये हो गया, 9 और 6 कितना हो गया, 15। तो रेशियो कितना हो गया, 13:15 का रेशियो आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए 115 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्स इज टू वाई का रेशियो हमारे पास दिया गया है, एक्स इज टू वाई का रेशियो कितना दिया गया, 3:4। कहा गया हमसे, ये पूछा गया 5x - 2y डिवाइडेड बाई 7x + 2y की वैल्यू क्या होगी। देखिए एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि होमोजीनियस इक्वेशन अगर बनता है, होमोजीनियस इक्वेशन बनता है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू एक्स की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं और वाई की वैल्यू 4। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन दिया गया है उसका पावर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स और वाई का पावर सेम है, एक्स और वाई का पावर सेम है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली हम रख सकते हैं 3 और वाई की वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हैं 4। 5 × 3 - 2 × 4 डिवाइडेड बाई 7 × 3 + 2 × 4 कितना हो गया, 15 - 8 डिवाइडेड बाई 21 + 8 ये कितना हो गया, 7 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, 29। 7/29 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तभी आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ये मैंने इससे पहले अगर मैंने 110 क्वेश्चन कराया था, आप देख लेना वहां पे किस तरह से
होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो अप्लाई करते हैं, किस तरह से नॉन होमोजीनियस, अगर होमोजीनियस नहीं रहे तो भी किस तरह से अप्लाई करते हैं ये मैं बता चुका हूँ। अगर देखिए फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यही था एक्स इज टू वाई, यानी कि 3:4 का रेशियो दिया गया, अगर इसी को दे दिया गया 5x-2y डिवाइडेड बाई 7x+2y, अगर होमोजीनियस इक्वेशन ना बनता तो हम क्या करते, सारे में y से डिवाइड कर लेते हैं, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं y से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 5x/y-2 देखिए y है तो y को y से डिवाइड करेंगे तो 2:1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 7x/y माइनस प्लस है 2y से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, y बाई वाई क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास मिल गया। अब देखो 5 तो ऐसे ही रहने दो, x बाई वाई का रेशियो कितना दिया, x बाई वाई यहां से क्या है 3/4, तब हम रखेंगे क्या 3/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहां पे क्या हो जाएगा 7x/y कितना है 3/4+2, एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 15-8 डिवाइडेड बाई ये नीचे एलसीएम लूं तो 4 कितना हो गया 21+8, 4 से 4 कैंसिल तो 15-8 7 डिवाइडेड बाई 21+8 29, तो ये मेथड था 7/29। अगर होमोजीनियस ना रहे, ये था आपका क्या मेथड 2, तो ये एक्चुअल मेथड था प्रोसेस करने का, लेकिन आपको इस मेथड से नहीं जाना है, जैसे ही देखो कि होमोजीनियस इक्वेशन बन रहा है आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116, कि 116 में क्या दिया गया, वहीं दिया गया कि x इज टू वाई का रेशियो दिया गया 3:4, हमसे पूछा गया है क्या 4x-y 2x+3y, 4x-y/2x+3y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने बताया था अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो डायरेक्टली x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं, तो ये देखिए होमोजीनियस इक्वेशन ऑलरेडी है क्योंकि x और y का पावर नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम है, तो डायरेक्टली पुट करें x की वैल्यू क्या रखें 3 और y की वैल्यू क्या रखें 4, डायरेक्टली x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू क्या रखें 4। अब देखिए 4×3=12-4/6+12, ये कितना हो गया 8/18। अब इसको मैं काटूं, 2 से काटूं तो 2×6=8, 2×9=18, यानी रेशियो क्या आ गया 4/9 का मतलब क्या हो गया 4:9, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर एगो वाज 1:3, यानी क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10 ईयर एगो यानी 10 साल पहले रेशियो ऑफ राम और रहीम का, राम और रहीम का रेशियो कितना था 1:3। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ एज ऑफ 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद उनकी रेशियो 2:3 हो जाती है, 5 साल बाद उनकी रेशियो 2:3 हो जाती है, देन द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इज, पहले इसको मैं बेसिक मेथड से करता हूँ उसके बाद मैं आपको इसको रेशियो मेथड से भी बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बेसिक मेथड से हम कर रहे हैं, 10 साल पहले कितनी थी रेशियो 1:3, यानी 1:3 का मतलब क्या 1x and 3x थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बताओ 10 साल पहले यानी अभी कितनी है, प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम की क्या हो जाएगी 10 ऐड कर दूं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम 10 साल पहले की थी तो 10 अभी के टाइम कितनी है x plus 10 और ये कितना है 3x plus 10, ये राम की है और ये क्या है रहीम की है, ये प्रेजेंट वाली हो गई, अभी के टाइम की हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 5 साल बाद अब नेक्स्ट 5 साल बाद यहां से 5 साल बाद कितना हो जाएगा x+10+5 और 5 साल बाद ये भी बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 3x+10+5 और इनका रेशियो कितना हो जा रहा है 5 साल बाद 2:3, इनका रेशियो कितना हो जा रहा है 2/3, बस सोल्व कर लें इसको, देखिए x प्लस 15 डिवाइडेड बाई
थ्री एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 2/3। सोल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 45 इज इक्वल टू 6x प्लस 30। इसमें को इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो ये इधर कितना हो गया 3x और इधर कितना हो गया 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी थी, प्रेजेंट एज का रेशियो, तो प्रेजेंट एज ये दोनों है, इनका रेशियो पूछा गया। प्रेजेंट एज राम की कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 यानी 5 प्लस 10 कितनी हो जाएगी 15, और ये हो जाएगा कितना 3x प्लस 10, 3 इंटू 5 15 10 25। अब इनकी राम और रहीम की रेशियो कितनी हो जाएगी 15:25, 5 से कैंसिल करूं तो 5 3 15 50 25, यानी 3:5 दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये तो रहा हमारा बेसिक मेथड। अब देखिए रेशियो मेथड हम कैसे करते हैं, रेशियो मेथड का भी यूज से हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहले रेशियो कितनी थी 1:3, ये कब की है 10 ईयर एगो, यानी 10 साल पहले की बात है। अब 5 साल बाद 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद कितनी हो जाती है 2:3। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखो, मैंने बताया था सबसे पहले में क्या देखते हैं, गैप देखते हैं, ये गैप सेम है कि नहीं। अगर नहीं सेम है तो हम सेम बनाएंगे। देखो यहाँ पे गैप कितने का है 2 का, और यहाँ पे गैप कितने का है 1 का, यानी गैप सेम नहीं है। तो गैप सेम बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई करूंगा 2 का। तो अब गैप कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करूंगा 1 का तो 1:3 यही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 × 4 = 4:6। अब देखो गैप यहाँ पे 2 का है और यहाँ पे भी गैप 2 का है। क्यों गैप सेम बनाना है, आप मेरी 1 पार्ट से 11 पार्ट देखोगे, मैं कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है, कि क्यों गैप हम सेम करते हैं। चलिए अब बात आती है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने का गैप है, राम और रहीम राम पहले 1 का था, अब 4 यूनिट हो गया, यानी कितने यूनिट का एडिशन है 3 यूनिट, 3 यूनिट बढ़ा, यूनिट में कितना बढ़ा 3 यूनिट, और एक्चुअल में गैप देखो इन दोनों में गैप कितने का हो गया 3 यूनिट का, और एक्चुअल में गैप कितने का हो जाएगा 10 साल पहले और 5 साल बाद, यानी 15 साल का गैप हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो देखो ये राम और रहीम की कितनी यूनिट है 1:3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो एक राम कितना है 1 यूनिट यानी 5, और रहीम कितना है 3 यूनिट यानी कि 15। ये क्या, ये पता चल गया राम की एज है और ये क्या है रहीम की एज है, लेकिन ये किस कब की एज है 10 ईयर एगो 10 साल पहले की, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, वर्तमान में क्या 10 साल और जोड़ देंगे, यानी राम कितना हो जाएगा 5 + 10, और रहीम कितना हो जाएगा 15 + 10, यानी ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। रेशियो 15:25 का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5। तो आप रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हो एज योर चॉइस, कि यू कैन कंफर्टेबल ऑफ दैट मेथड देन यू कैन इजिली सॉल्व इट। आप जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ 2 क्वांटिटी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंसेस। कहा जा रहा है 2 क्वांटिटी का सम, लेट सपोज ए और बी 2 क्वांटिटी है, इनका सम ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 गुना है ऑफ देयर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस ए माइनस बी। द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटी यानी ए बाई बी हमसे पूछा गया है, बस सोल्व कर लेते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a - 3b। चलो इसको मैं इधर लेके जाता हूं और इसको इधर लेके आ जाता हूं, तो 4b इज इक्वल टू कितना हो गया 2a, तो यहां से कैंसिल हो गया 2, यानी 2b इज इक्वल टू a, तो बताओ a बाई बी क्या हो जाएगा 2/1। तो a इज टू b कितना हो गया, अगर मैं लिखूं a इज टू b तो 2:1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:4:5,
तीन नंबर किस रेशियो में? 3:4:5। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ सेकेंड एंड 52। यानी पहले मैं इसको रेशियो नंबर मान लूं कि 3x 4x एंड 5x। कह रहा है सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन हो गया, छोटा सबसे कौन हो गया, ये सबसे बड़ा कौन हो गया, ये इन दोनों का सम यानी 3x + 5x का सम इज इक्वल टू क्या कहा, सेकेंड नंबर एंड 52। सेकेंड नंबर कौन सा है? 4x। तो 4x + 52 ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 3x फाइंड आउट करना है बस। तो इसको सॉल्व कर लें तो 8x = 4x + 52। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4x = 52। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 13। जैसे ही x की वैल्यू पता चल गई, हमसे 3x की वैल्यू पूछा गया, तो 3x की वैल्यू पूछा गया, तो 3 × 13 दैट मीन्स 39 इज द राइट आंसर। अच्छा सॉरी, हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट ही नंबर पूछा गया ना, हाँ सबसे छोटी संख्या, तो 39। तो 39 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 120, ए कंटेनर कंटेन्स टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 7:5। ठीक है, कोई एक कंटेनर में दो लिक्विड है ए और बी, उनका रेशियो कितना है, 7:5। अब आगे क्वेश्चन क्या आ जा रहा है, व्हेन 9 लीटर मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ एंड कंटेनर इज फिल्ड विथ बी, कहा जा रहा है इसमें से नौ इसमें से 9 लीटर मिक्सचर जो है को निकालो और उसको फिल्ड करना है बी लिक्विड से, देन द रेशियो बिकम्स 1:1। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज इन द कंटेनर इनिशियल, यानी कि कितने लिक्विड कंटेनर जो इनिशियल था उसमें कितना लिक्विड ए का था, ये पूछा गया है। तो अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम लेट सपोज वी है, वी क्या है, वॉल्यूम है, इसमें से 9 लीटर निकालूंगा तो अब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी माइनस 9 लीटर कम हो जाएगा, तो रेशियो कितना रहेगा, वही रहेगा 7:5। क्यों, क्योंकि जब भी हम मिक्सचर निकालते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कितनी बार, जब भी हम मिक्सचर निकालते हैं तो हमारा रेशियो सेम रहता है। अब इसको किससे फिल्ड करना है, बी से, यानी 9 लीटर अब क्या ऐड करेंगे, बी लिक्विड ऐड करेंगे, तो 9 लीटर जैसे ही बी लिक्विड ऐड करेंगे तो देखो बी माइनस 9 + 9 करूंगा तो वॉल्यूम फिर से बी हो जाएगा, और लिक्विड ए और बी का रेशियो यहाँ पे कितना दिया गया है, 1:1। अब देखो यहाँ इन दोनों में क्या आपको फर्क पता चला, इन दोनों में फर्क पता चला कि हमें इसमें ऐड क्या किए, बी लिक्विड ऐड किए, यानी कि ए की क्वांटिटी तो सेम रही ना, जहां इस लिक्विड में ए और इस लिक्विड में ए की क्वांटिटी सेम रही, तो ए की क्वांटिटी सेम कर दें। देखो ए की क्वांटिटी, ए कितना यूनिट है, 7, आउट ऑफ टोटल कितना, 12, इंटू वॉल्यूम कितना है, बी माइनस 9 इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ ए जो यहाँ पे है, वही क्वांटिटी ए इस लिक्विड में भी होगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी ए की कितनी है, 1, आउट ऑफ टोटल कितना, 1, 2, और वॉल्यूम क्या है, वी, तो ये हो गया। अब मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये कितना हो गया, 6, यानी कि 7 × V - 9, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 6V। अब यहाँ पे करूँ 7V - 63 = 6V, यहां से इसको मैं लाऊं तो क्या हो जाएगा, भी, और इधर जाएगा तो ये कितना हो गया, 63, यानी वॉल्यूम कितना हो गया, 63 लीटर। अब देखो यहां पता चल गया कि वॉल्यूम कितना हो गया, 63 लीटर। हमसे पूछा क्या गया, ए की मात्रा, टोटल देखो टोटल यूनिट कितना है, 12 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 63 लीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 63/12। हमसे पूछा गया ए की, ए कितना यूनिट है, 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 63/12। अगर मैं यहां से कैंसिल करूं तो 3 × 3 = 12, 3 × 3 = 6, 3 × 3, यानी हमारे पास कितना आ गया, 21 × 7, यानी कि 21 × 7 कितना होगा, 7 × 7 = 14/4। अब यहां पे देखो अगर 4 से डिवाइड करूं तो 4 × 3 = 12, देखो 4 × 3 = 12, सबसे पहला जो आना चाहिए नंबर वो 3 आना चाहिए, देखो 2 है, ये 1 है, नहीं हो सकता, ये 2 है, खत्म, ऑप्शन पहला 3 से आ रहा है, हमारा आंसर हो गया। पूरा कैलकुलेट नहीं किया जाता, अगर फिर भी करना है तो देखो 4 × 3 = 12,
दो और सेवन चार, छके 24, तो कितना बचा 3, 3/4। एक तो ये है, नहीं तो आपको पूरा कैलकुलेट मत करो और बाई ऑप्शन कर लो कि ऑप्शन किस तरह से हमें पहुंचना है। और इसीलिए आप मेरी वीडियो देख भी रहे हो एज कंपेयर टू, कि कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो साथ ही साथ ऑप्शन को भी इलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। इसका सेकेंड मेथड भी आसान है, रेशियो मेथड से भी यूज कर सकते हो। देखो ध्यान से, रेशियो मेथड से कैसे यूज करोगे, रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। पहले क्या है, लिक्विड ए और बी, ए और बी किस रेशियो में, 7:5। इसमें से कुछ निकालने के बाद उसको किससे फिल किया गया, बी से, और फाइनली कितना हो गया, 1:1। तो देखो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, खुद सोचो, आप बी लिक्विड ऐड कर रहे हो ना, उस भर रहे हो, तो बी की क्वांटिटी, तो ए की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ए की क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। ए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो सेम करने के लिए क्या करूं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या 7 से मल्टीप्लाई। तो ए और बी की क्वांटिटी अब पता चल गई क्या है, 7:5 रह गई और ये कितना हो गया, 7:7। क्यों, क्योंकि हमें बी लिक्विड ऐड करना है ना, जो 9 लीटर निकाल रहे हैं तो बी लिक्विड ऐड कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कर दिया, बी ए की क्वांटिटी सेम कर दिए, बी कितना ऐड कर रहे हैं, जितना हम निकालेंगे उसी को रिप्लेस कर रहे हैं ना, उसी को डाल रहे हैं ना, फिल्ड कर रहे हैं। तो बी यहाँ पे कितना यूनिट है, बी कितना यूनिट डाल रहे हैं, +2 यूनिट, और एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना डाल रहे हैं, 9 लीटर के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9/2 लीटर, एक यूनिट की वैल्यू 9/2 लीटर। अब देखो जब हम बी लिक्विड डाल रहे हैं तो टोटल कंटेनर कितना, 7:7 रेशियो में बन जा रहा है, यानी 7:7 टोटल कंटेनर कितना, 7 और 7 कितना हो गया, 14। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14×9/2, 2×7=14, यानी कितना, 63 लीटर। बी को डालने के बाद कितनी वॉल्यूम हो जा रही है, 63 लीटर। अब देखो 63 लीटर आ गई, इनिशियल में हमारे पास कितना है, a:b का रेशियो 7:5 है, यही तो है ना, 7:5 इनिशियल यही है ना, 7:5। अब बताओ a की हमें क्या निकालना है, a की शुरुआती मात्रा, a कितना यूनिट है, 7, आउट ऑफ कितने टोटल, 12, और वॉल्यूम कितना है, 63। बस मैं ये करूं, 3 से काटूं, 3×4=12, 21×63, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 147/4, 4 से डिवाइड करूं, 4×3, फर्स्ट नंबर 3 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कर भी लोगे तो कितना हो गया, 36 सही, 3/4। तो ये था रेशियो मेथड, आपको जो मेथड सुटेबल है आप उस मेथड से करो। क्वेश्चन में अगर आपकी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो ना, तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछे आप कर सकते हो। अगेन आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरा रीजनिंग कोर्स रनिंग चल रहा है, रीजनिंग कोर्स, चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, जस्ट लाइक एज आपको मैथ की तरह रीजनिंग भी फील होने वाला है अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हो। तो इसमें क्या है, 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टॉपिक्स यहाँ कंप्लीट कराए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं, आपको रनिंग चल रहा है ये, पीडीएफ नोट्स एंड पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, एंड डाउट ग्रुप की भी फैसिलिटी है। इस कोर्स की फीस है ओनली फॉर 300 रुपीज, आप पे करके इस कोर्स को लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, देयर इज नो वैलिडिटी, यू कैन यूज लाइफ टाइम आप यूज कर सकते हो, या ऐसा नहीं कि एक साल के बाद ऑफ या 6 मंथ की वैलिडिटी, देयर इज नो वैलिडिटी, यू कैन यूज लाइफ टाइम। अब आप पे कैसे करोगे, देखिए पे करने का तरीका, आप किस कोर्स को खरीदे हो कैसे, ये मेरा क्या है पेटीएम नंबर, आप पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर है, आप गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फोन पे नंबर गिवन है, आप फोन पे ऐप्स के थ्रू भी पे कर सकते हो। आफ्टर पे या एक और ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे SBI का अकाउंट नंबर दिया गया है, आप इसके थ्रू अकाउंट नंबर के थ्रू भी पे आउट कर सकते हो। अब आपको पे करने के बाद आपको करना क्या होगा, दिए गए ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने पे कर दिया, आपको कोर्स कैसे मिलेगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आपने जो पे किया उसकी स्लिप स्क्रीनशॉट आपको सेंड करनी पड़ेगी या फोटो सेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो जो मैंने आपको रीजनिंग कोर्स में बताए क्या क्या चीजें मिलने वाली है। आप ये चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे, मोर वीडियो इस पे आए, ये टॉपिक्स पूरी तरह फाइनल हो, तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।